अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। 5 अक्टूबर को जहलम में इंट्री मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से बात होगी। मेरे मौसम हैं दोनों, मैं उनका अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ इल्म की बुनियाद पर। ये तरीका गलत था कि उन्होंने जहलम पहुँच कर नंबर दे दिया और कह दिया कि वीडियो पैगाम में कि मैं आ चुका हूँ। एक आलम दीन का महज़ब तरीका ये नहीं होता। वो कराची से फ़ोन करते, फ़ोन करके वो टाइम निकालता, वो भी बीवी बच्चों वाला है, ऐसा अलग नहीं है कि वो मेला और निकम्मा बंदा है, जब भी जाऊंगा तो वो मिल जाएगा, ऐसा अलग नहीं है, इंसान है। हम किसी पड़ोसी के घर जाते हैं तो भी उसे टाइम देते हैं, फिर शरीयत का हुक्म है 3 बार दस्तक दो, जवाब आए तो ठीक है, इनको बिल्कुल क्यों गिरा किए बगैर वापस चले जाओ। तो कुछ कायदा कानून होते हैं, मेरे बड़े हैं मोहसिन हैं, मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, हज़ारों फॉलोअर्स मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं कि जी मुनाज़रे से भाग गया, मुनाज़रे से भाग गया। एक आलम ने दावा ही नहीं किया कि मुनाज़रा करने में नहीं आया, मैं सिर्फ अफहाम व तफहीम के लिए आया हूँ, ना मैं लड़ने आया हूँ, ना कोई बंदे साथ लाया हूँ, सिर्फ अफहाम व तफहीम के लिए आया हूँ। गलत मिस्टेक कैसे कर रहे थे? अवाम उन्नास जो है ये गलत तासर दे रही है कि मुनाज़रे से भाग गया। भाई मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मुनाज़रे के लिए आए ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं? बस फिर मैं यही कहूँगा कि जो बौंगियाँ मारने वाले हैं अवाम उन्नास में से, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनका मुंह बंद करने के लिए जहलम में अचानक एंट्री मारी सुल्तान रही की तरह और मुस्तफ़ा कुरैशी की तरह हतों बचे उतार गए। ये तरीका ठीक नहीं है, अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। मैं बहुत बाना गुजारिश करूँगा, ये तनकीद नहीं, सिर्फ जो है मेरा दर्द है, अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए।